अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैसूर भुंडे की रेसिपी और उसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी भुंडे के साथ खाने वाली चटनी की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे, मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून जितना मोटी वाली सूजी। आप चाहो तो इसमें बारीक सूजी का भी यूज़ कर सकते हो। सूजी को एक बोल में डाल देंगे, उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम गाढ़ा वाला दही। यहाँ मैंने लिया है 50 ग्राम जितनी व्हाइट उड़द दाल। उड़द दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। इसका सारा पानी निकाल कर इसे मिक्सर जार में बारीक पीस लिया है। ये भी हम एक बोल में डाल देंगे। उसी के साथ इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून जितना इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल, 7 से 8 बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते, चुटकी भर हींग, 1 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, मुट्ठी भर हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, वज़न में ये 250 ग्राम है। उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। 1/2 कप जितना पानी इसमें ऐड करेंगे, इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ बैटर को रखते हुए 1 घंटा हो चुका है। दोबारा से इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने पैन में तेल को मीडियम गर्म कर लिया है। इस तरीके से पकौड़ों को तेल में डाल देंगे। इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। पकौड़ों को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे पकौड़े फ्राई कर निकाल लेंगे। सारे पकोड़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसे सर्व करेंगे चटनी के साथ। चटनी की रेसिपी पकोड़ों के एंड में मिल जाएगी। आप इसे गर्मा गर्म मैसूर भुंडे के साथ सर्व करें। भुंडे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बनाते हैं भुंडे के लिए चटनी। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून भुनी हुई सेंग, 3 से 4 टेबलस्पून दाल, ये बिना छिलटे वाली दाल है। सारे दोनों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। उसी के साथ में डालेंगे 1/2 कप ताज़ा नारियल छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, 3 से 4 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। पानी डालकर चटनी को बारीक पीस लेंगे। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे।
चटनी को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, जो मिक्सर जार में चटनी लगी थी उसमें थोड़ा पानी ऐड करके वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून तेल को गरम कर लिया है, उसमें डाला है 1 टीस्पून राई, 7 से 8 कड़ी पत्ते। राई थोड़ा तड़क जाए, तड़के को हम डाल देंगे चटनी के ऊपर। यहाँ हमारी दोनों रेसिपी बनकर तैयार है, मैसूर बोंडा और चटनी की। दोनों रेसिपी को ट्राई कर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।